हाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड इन प्लस टू यूनिट नंबर वन बोथ द पार्ट्स. नंबर फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड पार्ट पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टेक ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनसीईआरटी व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. स्टेटमेंट स्टार्ट from a words if a point charges. So what is in this statement? You can see here on the screen, plus Q charges here and it is at the center of a circle, right? So you know that the potential, if I want to find out at any point, then this A point and a B point will be equal distance apart. So this formula is saying at R distance, equal distance, A and B will have same potential. राइट, दिस वन थिंग इज अगर इतने 4 वोल्ट है मीन्स इतने भी 4 वोल्ट ही है. ओके, नो सी एनी पॉइंट वी हैव टेकन हियर सी एंड ए टू सी वी आर मूविंग अ चार्ज क्यू. आई हैव टू फाइंड आउट द वर्क एंड देन सी टू बी आई हैव टू फाइंड आउट द वर्क. सी इज द कॉमन पॉइंट. यू नो वर्क वी कैन फाइंड आउट by the formula, the potential difference. You know, work done is actually between two points in moving a charge is equal to the potential difference between these two points into that charge moved, right? If we are moving a plus one charge, then only the potential difference will be the answer, right? Are you catching what I am saying? So, karke dekhte hain. A to C we are moving, then BC minus BA, you know, firstly, this and this potential difference will be same. Like, just imagine this is a 10. 10 minus 4, 10 minus 4, the same will be the difference. BC minus BA and BC minus B. This is the same thing. Is it clear? Now, listen. Now, VAC. Work done A to C will be equal to Q charge if we are moving the potential difference C and A, BC minus B. If we are moving C to V, then BB by last potential, final potential minus BC, we will do this way. Charge move. We are using the formula W is equal to W over Q. Okay, W is equal to V into Q. So V is this and Q is this. Now BB minus BC, but here is BC, so minus we are taking out. Now see, this thing and this thing, this is the work A to C and this is the work C to V. Both have a common points. BC and B minus BA and this thing. They are the same thing, is mean work is Q minus Q and work plus minus does not matter here. So the work we will do, that will be the same. So पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते पे डिपेंड नहीं किया कि ये रास्ता छोटा है ये बड़ा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सेम वर्क हो गया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट 28 न्यूमेरिकल. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेट्स फ्रॉम अ लाइन टू मेटालिक स्फीयर्स. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो क्या दिया हुआ है, मैं आपकी अपनी मदर टंग में समझाऊं आपको. ये दिया हुआ है कि एक स्फीयर है बेटा. स्फीयर दे विच पहले वाले च आर रेडियस है, दूजा डबल है उसके साइज दे विच, सेम मेटल दे बने ने और दोनों चार्ज दिता होया और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम बना दी गई है. नैचुरली सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका मतलब इन ज्यादा चार्ज दिता देना पाया होना, इन कट दिता होना, राइट? मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कट किए सकते हैं. मान लो ये क्यू वन चार्ज है, ये क्यू टू चार्ज है, तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया, इधर एरिया किमें आएगा 4πr1 स्केयर एंड इधर किमें आएगा क्यू टू 4πr2 स्केयर. क्लीयर? चार्ज ओवर एरिया. हुण देखो 4π ने 4π नूं कट लिया, Q1 इनू नीचे ले आए, R1 नूं उपर ले आए. R1 इज R एंड R2 इज 2R. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट हैज अ डबल रेडियस, दिस मीन्स 1/4. Q1 ओवर Q2 इज 1/4. नो वी हैव टू फाइंड दैट व्हेन वी आर कनेक्टिंग देम, देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम विच सबस्टांस टू विच सबस्टांस. चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्ज पे डिपेंड नहीं करता किसके पास पोटेंशियल ज्यादा है और किसके पास पोटेंशियल कम है, ये देखनी है. हायर टू लोअर जाएगा,
तो पोटेंशियल निकालते हैं, इसकी पोटेंशियल कैसे आएगी? 1/4 epsilon naught टोटल चार्ज एंड टोटल रेडियस, है ना? हमने पढ़ा है ये सारा चार्ज ऐसे काम करेगा कि इस ये एक सेंटर के ऊपर है, राइट? तो 1/4 epsilon naught क्यू वन आर वन इसकी पहले की पोटेंशियल और ये दूसरे की पोटेंशियल, क्यू टू ओवर आर टू इनकी रेशियो ले लेते हैं वी वन ओवर वी टू, क्यू वन ओवर क्यू टू ये तो कट जाएंगे एंड आर टू ओवर आर वन रह जाएगा। क्यू वन ओवर क्यू टू की वैल्यू 1/4 है, भी निकाली, आर टू की जगह 2R लिखा, आर वन की जगह आर, आर ने आर को कट कर लिया, इसने यहां से 2 रहने दिया, 1/2 आ गया। वी वन ओवर वी टू कितना बन गया? 1/2। वी टू को उधर ले आया यहां, तो क्या आ रहा है? वी टू पोटेंशियल इज डबल टू द, इसकी पोटेंशियल हायर है, तो यहां से चार्ज हायर मतलब सेकेंड से फर्स्ट स्फीयर की तरफ को चार्ज जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है सेकेंड का ज्यादा है। इन क्वेश्चन नंबर 29 विच स्टार्ट फ्रॉम लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वी, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? लेट्स डू इट स्लोली। वी हैव गिवन दैट एट पॉइंट ए देयर इज अ क्यू चार्ज, मैग्नीट्यूड इज नॉट नोन टू अस, एट अ पॉइंट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड पोटेंशियल इज दिस, बोथ द थिंग्स आर गिवन। In the starting, I told you that electric field and potentials are the different parameters for the same thing. Is what is the effect of a charge? No. Different formula we have to calculate it. Just like rupees and dollars. Ye dollars hain, ye rupees hain, basically, right? So electric field due to this charge at this AB distance, that this is R. We know the formula 1/4 epsilon naught. We can write it K, right? Electrostatic constant, simple. K is equal to Q over R square. It is given that it is 24. And V, K is equal to Q over R. 1/4 epsilon naught Q over R. It is given 12. So both the things are given. We have to find out the R, this R and this Q. Both we have to find out. So the known things are these. We will divide this E over V. So K Q over R square into K Q will come down, and because it is in division and R up, K Q will cut K Q R. E over V is 1/r. What is E? 24. V is 12. Meaning is R is equal to 1/2. It is in meters because all the units are in meters. So we can write in centimeters, 0.5 centimeters. Clear? 1/2 meters or 0.5 centimeters. So the one thing is calculated that the distance between two charges is this 0.5 meters. Now second thing, I have to find out this Q charge. Now in this formula, you know V is given, this is 12, K we know, R is calculated, Q we can calculate. The same I am using here, V is equal to K, K over R, Q is this V R over K, and simple calculation you can do, right? Now in the next numerical, in numerical number 30, its statement start from calculate the potentials. The first part is very easy. Here the charge is given that you have a charge and at distance 9 centimeter, what will be the potential? So you know this is a simple formula, 1/4 epsilon naught Q over R. Just convert it into the SI units. So centimeter will be converted into meters and this is the potential, right? It is simple. In the second part, they are saying that at the same this point, so see here was one charge and at this point we have find out we have calculated the potentials. So they are saying that we have to brought this charge 2 × 10⁻⁹ at the same point, but amount of work will be done. The simple formula, V is equal to W over Q. So work will be equal to potential 4 × 10⁴, and a charge which you are bringing. So this simple multiplication and work is calculated. They are saying that if you will change the path, and with the other path you are bringing, will there will be effect on this work? Yes, you know that there will be no effect. कोई भी रास्ता तुसी लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डिपेंड करता है,
कि लेके इन्फिनिटी से इसी पॉइंट पे लेके आए ना, किसी भी रास्ते लेके आओ, कोई फर्क नहीं पैदा। इन क्वेश्चन नंबर 31 द स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम टू चार्जेस 3×10 की पावर -8 कूलम एंड -2×10 की -8 कूलम। बड़े बहुत कॉमन दे क्वेश्चन होंगे ने, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इस क्वेश्चन से गए। फिलहाल मैं तुम्हें समझा लगे स्टेटमेंट की दसा हुआ, कहते भी दो चार्ज ने, एक ए वाला चार्ज और एक ए वाला चार्ज, मान लो ये दो पॉइंट से इस तरह पे हुए, इन्हों के जो डिस्टेंस है वह 15 सेंटीमीटर, राइट, ए 15 सेंटीमीटर है। ओके, हूँ देखो तुम कि अगर तुम ये कहो कि मान लो एक एक पॉइंट है बिच इन बिटवीन है, पॉइंट ज्वाइन लाइनिंग जब कर रहे हैं वो इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस से है, और इस पॉइंट से इन दोनों की वजह जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाती है नैचुरली, पॉजिटिव की वजह इतनी पोटेंशियल पॉजिटिव होएगी, नैगेटिव की वजह नैगेटिव होएगी और दोनों एक दूजे को कैंसल कर देंगे। पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसीपल असी किया है कि एक पॉइंट से बहुत सारे चार्जा की वजह के नाल एक पॉइंट से Q1 Q2 दोनों की वजह पोटेंशियल हो, पहले इसकी वजह कर लो फिर इसकी वजह कर लो, दोनों प्लस कर लो। ध्यान रखना है कि जब तुम पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के नाल कढ़ोगे तो पॉजिटिव लिखो, नैगेटिव की वजह तो नैगेटिव लिखो, ठीक, बस इन्ना का ध्यान रखना है। तो इतने जो पोटेंशियल है मान लो जीरो होगी तो इस जगह पर इस पॉइंट पर इस चार्ज के पोटेंशियल कितनी होगी 1/4% और दिस चार्ज Q1 एंड डिस्टेंस ए वाली, दैन इसकी वजह इतने पोटेंशियल ए वाला चार्ज एंड ए डिस्टेंस है ना, ए R2 डिस्टेंस। हूँ Q1 किन्ना है 3×10 की बार -8 लिख लिया ओवर ए वाली डिस्टेंस लिख ली एक्स, ठीक। हाँ ये सेंटीमीटर च लिख रहे हो तो सीधा इन 10 की बार -2 कर लो, क्लीयर बेटा, और इतने भी तो 10 की बार -2 करना ही पैना है, एक सेंटीमीटर है, राइट। तो ए वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी दूजे केस, इस चार्ज की वजह इस पॉइंट से पोटेंशियल, ए वाली डिस्टेंस ए 15 है तो 15 चो एक्स निकालता तो ए रहेगी, राइट, तो 15 चो एक्स निकालता, क्लियर हो गया इतना ध्यान। हूँ देखो तुम कि तुम कॉमन लोगे इन दोनों तो ये दोनों की पोटेंशियल प्लस करके जीरो आ गई, देखो ध्यान रखो पर दूजे चार्ज की वजह कटी है पोटेंशियल तो माइनस साइन जरूर लगाया, हूँ ए कॉमन आ जाना दोनों से इतने आके बाहर आके जीरो हो जाएगा, 10 की -8 भी कॉमन है, -2 भी कॉमन है, बाहर आ जाने बचा जी 3/x -2/15 -x=0। इसनों इस तरफ ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, x 9 आ गया, मतलब ए दस पाई नहीं कि ए 9 सेंटीमीटर से इस पॉइंट से होएगी और ए 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, टोटल 15 हो गया। हो सकता ए वाला पॉइंट इस दोनों के बीच ना हो, साइड के बीच हो, राइट, इतने ये पॉइंट है बाहर मान लो, तो ए वाला जो एक्स डिस्टेंस है पहले इधर लिया से तुम हमने पूरा ले लिया, ठीक है। जब तुम इस पॉइंट इस चार्ज की वजह इतने पोटेंशियल कटोगे तो एक्स लिखोगे जिमें पहले कटिया, ठीक है, जब इसी वजह कटोगे तो ए वाली डिस्टेंस लिखनी किमें आएगी, x-15 जस्ट इतने चेंज होना है कि इतने जो तुहाडी हैगी आ 15 माइनस है तो इतने एक्स माइनस 15 होएगा, तुसी इनू सॉल्व करोगे तो एक्स 45 आना है, मतलब ये चीज़ हुई है कि अगर पॉइंट तुसी अंदर ले आए तो उन्होंने ज्वाइनिंग लाइन पर तो 9 सेंटीमीटर होएगा और बाहर ले आए तो 45 सेंटीमीटर होएगा, पॉइंट जिथे पोटेंशियल जो है वह दोनों चार्ज की वजह के नाल जीरो होनी है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेक, स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 पॉइंट्स ए B and C, 3 points A, B and C, ये फिगर में दिए हुए 3 points है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे जो यहाँ है फील्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इस पूरी जो ये वर्टिकल जो लाइन है जितनी यहाँ पे है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो पोटेंशियल्स हैं वो सेम है, क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो ये होता है कि हर जगह फील्ड सेम है, फील्ड इज एवरीवेयर सेम। अगर फील्ड सेम होती है हर जगह
तो क्या पोटेंशियल सेम होती है? नहीं, नहीं होती। देखो E इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी आर, तो देखो क्या आ रहा है, ई डी आर बन गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का, कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस लेना पड़ता है। कितना डिस्टेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस कितना है ना। यहां पे पोटेंशियल बहुत डिफरेंस ज्यादा होगा, यहां पे कम हो गया, कम हो गया, राइट। ये दोनों जो बी और सी पॉइंट्स हैं ये सेम लेवल पे हैं, इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यूनिफॉर्म फील्ड का ये मतलब होता है, ठीक है, फील्ड सब तरफ सेम है और एक वर्टिकल लाइन पे सेम पोटेंशियल है। तो हमें ये पूछा गया है कि ए और सी के पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ। अगर ए और बी का पूछा गया होता तो बहुत आसान था, ये वाला फॉर्मूला लगाते, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 3 और डी आर यहां की जो डिस्टेंस होती जो भी होती 5 6 10 जो भी, तो लिखते और पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाता। अब पूछा गया है ए और सी का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बना लेंगे। हम बोलेंगे कि जो ये बी और सी पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पे हैं तो जो सी की पोटेंशियल है वही वी की है, ए और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वही ए और वी का बनने वाला है, तो आप ए और वी का निकाल लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड वी, क्लियर दिस इज। अब सिर्फ ये वाले डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ये तो सिंपल यू नो राइट एंगल ट्राइंगल है एंड आप फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, एंड दिस बिकम्स 4 सेंटीमीटर। We have to convert it in meters. So formula I am using E is equal to minus dV over dr. Relation between electric field and potentials. dV. तो क्या है? Potential difference पता लग रहा है A और C का, A और B का पता लग रहा है, तो एक और C का वही चीज है। तो minus E value लिखी, dr 4 into 10 की minus 2 क्योंकि सेंटीमीटर में, मीटर लिखना पड़ेगा SI में, 5 into 220 यहां से 10 बच गया एंड 200 वोल्ट इज द आंसर। सो इस पॉइंट्स के बीच में 200 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ई कांस्टेंट यूनिफॉर्म। अगर लाइंस इस तरह होती तो फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है, यहां पे कांस्टेंट है। अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसका यह मतलब नहीं है कि पोटेंशियल भी यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल जो है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और इन दो पॉइंट्स का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि डी आर ज्यादा बढ़ गया। क्लियर बेटा?